तो यहाँ हमने लिया है एक कप आटा, उसमें मिक्स करेंगे नमक, काला जीरा और अजवाइन और हाफ टेबल स्पून ऑयल। ऑयल से हमारा जो डो होगा वो मॉइस्ट एंड सॉफ्ट होगा, तो इन सभी को मिलाकर हम एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा डो तैयार हो गया है, अब इसे हम साइड करके रख देंगे और तब तक वेजिटेबल्स चॉप करके प्रिपेयर कर लेंगे। तो यहाँ हमने कैबेज, बीन्स, प्याज और मिर्च को फाइनली चॉप कर लिया है और साइड में पनीर एंड स्वीट कॉर्न। तो अब हम गैस ऑन करके एक पैन में एक टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे, उसमें हम हरी मिर्च डालकर फिर अपने सारे वेजिटेबल्स को ऐड कर देंगे। तो अब मैंने कैबेज, बीन्स, कैप्सिकम इन सभी वेजिटेबल्स को एक साथ ऐड कर लूँगी और उसके बाद इसे अच्छे से स्टर करके अब बिल्कुल लाइट फ्राई करूँगी। तो यहाँ हमें इसे ज़्यादा पकाना नहीं है, बिल्कुल लाइट सा फ्राई करना है 2 से 3 मिनट के लिए। अब मैं इसमें पनीर और कॉर्न को भी ऐड कर दूँगी और इन सभी को ऐड करके मैं 1 मिनट के लिए फिर से पकाऊंगी। और ध्यान रखिए ये सारे वेजिटेबल्स हाई फ्लेम पे ऐड होंगे। अब मैंने यहाँ ब्लैक पेपर ऐड किया है, थोड़ी सी लाल मिर्च भी ऐड कर देंगे, इन सभी को अच्छे से मिला देंगे। अब हम इसमें हल्का नमक ऐड करेंगे, ध्यान रखिए नमक हल्का ही होना चाहिए। अब आप देख सकते हैं ये अच्छी तरह से जैसे हमें चाहिए फ्राई हो चुका है। तो अब हम गैस को बंद कर देंगे और वेजिटेबल्स को एक प्लेट में निकाल लेंगे। ठीक रोटी बना ली है जिसे हम दोनों तरफ से अच्छी तरह से रोस्ट कर लेंगे। इसे इसमें ऑयल नहीं ऐड करना है, विदाउट ऑयल बस इस रोटी को अच्छे से पका लेंगे। तो हमारी रोटी जब अच्छे से दोनों साइड से पक जाएगी हम इसमें वो वेजिटेबल्स को ऐड कर लेंगे। अच्छे से इसे एक बीच में ले आएंगे, उसके बाद हम इसमें चीज को ग्रेट कर लेंगे। अब हम इसे दोनों तरफ को अच्छी तरह से फोल्ड करके इसे पका लेंगे। तो ये देखिए हमारा फ्रैंकी रोल रेडी है। ये बहुत ही क्विक एंड बहुत ही इजी रेसिपी है और खाने में बहुत ही टेस्टी है। होप आपको ये आज का रेसिपी अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को।